तरह से करो प्लेजर ज्यादा आएगा। जब हम मास्टरबेशन या सेल्फ प्लेजर के बारे में बात करते हैं तो लोगों को वो घिसे पिटे तरीके पता है। आज मैं बात करने वाली हूँ माइंडफुल मास्टरबेशन की। मतलब कई लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा अपने दिमाग में सोचने लगते हैं कि उसका ना भूत चढ़ जाता है, उसका एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि आप सारी चीजें दिमाग में कर रहे हो और वो टिपिकल सेम तरीके से करते हो तो चीजें उतना प्लेजर नहीं करती हैं। आज मैं एक नया तरीका, बेटर तरीका, जिससे आप एडिक्ट ना हो, उसके बारे में बात करूंगी। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पूरा अंत तक देखना, स्पेशली वो जो यंग बच्चे हैं, स्पेशली 19 इयर्स अबव, जो कि और बेहतर तरीका देख रहे हैं या और नए तरीके से करना चाहते हैं। तो चलिए बात करेंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर हम मास्टरबेशन की बात करते हैं, उसके अंदर एक बेटर तरीका है जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि मुझे बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना और बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में भी नहीं सोचना। वो लोग जो बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हैं, वो या तो पास्ट इवेंट्स को रिलेट कर रहे होते हैं कि मैंने जब उस बंदी के साथ किया था या मैंने वो वीडियो देखा था तो वो याद रहता है। एंड समटाइम्स यू मास्टरबेट थिंकिंग अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, या आपने कोई पास्ट विजुअल्स या पास्ट वीडियोस देखे हैं। या कई लोग मास्टरबेट जब करते हैं तो अपने फ्यूचर को रिमेंबर करते हैं कि जब मैं उसके साथ करूंगा या मैं इसके साथ कर रहा हूंगा, या गा मतलब फ्यूचर टेंस में, या फिर ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूंगा। तो जब या तो गा या किया था के बीच में आप हो तो आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ जल्दी जल्दी स्टिमुलेट होने का मेथड ढूंढ रहे हो। बेटर तरीका टू गेट योर सेल्फ मास्टरबेटिंग एंड लविंग योर बॉडी इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। मतलब आज में एंजॉय करो। और इसके तीन बेस्ट तरीके क्या हैं? सबसे पहला, अपनी आवाज को यूज करो। आपकी खुद की आवाज आपके लिए बहुत बहुत बड़ा सेंसेशनल वे हो सकती है। एक्टिवेट योर वॉइस, बात करो खुद को, बोलो कि ऐसे, इवन इफ यू फील लाइक अब्यूजिंग योरसेल्फ, इट्स ओके। खुद के साथ कम्युनिकेट करो, खुद से बात करो, और जो दिमाग में चल रहा है उसको आप बोल भी सकते हो। अब आप बोलोगे मैम कैसे अलाउड है, देयर आर सर्टन सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी दैट रिक्वायर्स, तो आप मन मन में कोशिश कर सकते हो। यू कैन यूज योर वॉइस, इवन फीमेल कैन मोन, दे कैन रेज देयर वॉइस। ऐसे करके भी आप अपने, जैसे हम बोलते हैं ना, मास्टरबेशन को और ज्यादा प्लेजर कर सकते हो। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगी, जब हम चाहते हैं कि हम माइंडफुल रहें तो आप अपने बॉडी पार्ट से जरूर प्ले करें। आप चाहें तो अपने एक एक बॉडी के एक एक स्किन, एक एक पार्ट को टच कर सकते हैं, जो कि फीमेल मेल से ज्यादा बेटर करती हैं। तो वो जब आप करते हो तो आपकी बॉडी ऑलरेडी प्लेजर फॉर्म में आती है, और उसी तरह के मास्टरबेशन को माइंडफुल मास्टरबेशन कहते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप चाहते हैं कि उसको और प्लेजर करना है तो ध्यान रखें कि आप पोजीशन बदलें। अब आप बोलेंगे मैम मास्टरबेशन में पोजीशन क्या बदलें, यूजली लोग लेट के करते हैं या मेबी खड़े होके कर रहे हैं, यूजली अपनी पोजीशन बदलो। स्पेशली फीमेल्स कैन ट्राई सम क्लोथ्स, रबिंग योर थाइस, और यू कैन ट्राई जस्ट डूइंग इट विद योर वन फिंगर और सम थंब। आप चाहो तो अलग अलग वेज को डेफिनेटली चेक कर सकते हो, जो कि आपके मास्टरबेशन को प्लीज कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, रफ नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरीके का मास्टरबेशन बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप नए नए तरीके याद करते हो तो आपका दिमाग भी उन नए नए तरीकों को फाइंड करने में चला जाता है। वहां से मानसिकता कोई गलत ना जागृत हो जाए। कोशिश करें एक बाउंड्री में खुद के साथ अलग अलग पोजिशंस, हैंड चेंज करके, स्टैंड, लाई डाउन, अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश करो, ताकि वो आपको बेटर तरीके से प्लेजर दे पाए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। तो नेक्स्ट टाइम से बहुत ज्यादा पास में नहीं रहना, बहुत ज्यादा फ्यूचर में नहीं रहना, माइंडफुल होकर इसे प्रैक्टिस करना, ताकि आपके प्लेजर्स बढ़ सकें। सो फॉर मोर डिटेल्स कनेक्ट, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।